फेस्टिवल सर पे आपका स्वागत है। काफी लंबे टाइम के बाद आज हम एक वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बहुत अच्छा चैप्टर है ये, थोड़ा सा फास्ट रहेगा क्योंकि इसको हम एक सिंगल शॉट में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या भी? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एक्चुअल में हम वर्नर को, साइंटिस्ट है जिसका कि एनसीईआरटी में भी एक फोटो बना हुआ है, उसको फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोलते हैं। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स क्या? जहाँ एक सेंट्रल मेटल एटम और आयन लाइक कोबाल्ट प्लस थ्री या निकल प्लस टू, जिसका सेंट्रल में एम्प्टी ऑर्बिटल पड़े, सेंट्रल मेटल एटम और आयन इसी लुइस बेस के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन आपके सामने हो रखा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कॉम्प्लेक्सेस पहले बोला गया वर्ड था जब साइंटिस्ट को कुछ समझ नहीं आया था, तब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बोलते। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके अंदर। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आपको, जब आप इसको पानी में डिजोल्व करेंगे, वाटर में डिजोल्व करेंगे, तो इसका जो सीएमआई है, सेंट्रल मेटल एटम और आयन है, उसका कोई भी आप क्वालिटेटिव टेस्ट नहीं ले सकते, उसका कोई भी क्वालिटेटिव टेस्ट आपके पास नहीं आएगा। लाइक K4FeCN6 को पानी में डालते तो ये पांच आयन्स बनाएगा, सॉल्यूशन चैप्टर में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चार पोटेशियम बनाएगा और पांचवा आयन जो इससे बनेगा वो है FeCN6-4। अगर आप चाहें, यू वांट, देन Fe+2 का टेस्ट आप यहां नहीं कर सकते। इसीलिए एक सिंगल एंटिटी का काम कर रहा है, दैट्स व्हाई एक सिंगल एंटिटी का काम ये कर रहा है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में से हम सिंपल आयंस का सेपरेशन नहीं कर सकते जो सीएमआई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर बैठा हुआ है। आगे देखते हैं जी, जैसे कि KAgCN होल ट्वाइस है, K+AgCN होल ट्वाइस माइनस, दो आयंस यहां मेरे पास आ गए, कि दो आयन मेरे पास आ गए। अगर मैं चाहूं कि सिल्वर का टेस्ट ले लूं तो सिल्वर का टेस्टिंग मैं नहीं कर पाऊंगा। नीचे वाले कंपाउंड में मैं सोच लूं कि कोबाल्ट का टेस्टिंग कर लूं तो मैं कोबाल्ट की टेस्टिंग नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट आपके पास है डबल सोल्ट्स। डबल सोल्ट एक्चुअल में 1:1 मिक्सचर ऑफ द सिंपल सोल्ट्स है, 1:1 मिक्सचर ऑफ द सिंपल सोल्ट्स है। जैसे कि आपके पास, आप लेबोरेटरी में जाएंगे तो आपको आपको FeSO4 अमोनियम होल्ट्वाइस सल्फेट और 6 वाटर मिलेगा, जिसको आप मोहर सोल्ट बोलते हो, जो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है KMnO4 के साथ, जो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है विद KMnO4। तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये 1:1 मिक्सचर ऑफ द 1:1 मिक्सचर ऑफ द सिंपल सोल्ट्स है। इसमें आप आयरन का, इसमें आप अमोनियम का, इसमें आप सल्फेट का, सभी का टेस्ट कर पाएंगे। लेबोरेटरी में जाकर इसको टेस्ट ट्यूब में डालें, पानी में घोलें और आप अमोनियम का, आयरन प्लस टू का, सभी का टेस्ट कर पाएंगे, जैसे सिंपल सोल्ट करते हैं, बस ये 1:1 मिक्सचर होता है। तो ये ब्रेकडाउन हो जाएगा अपने सिंपल कॉम्पोनेंट्स के अंदर। डबल सोल्ट और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में यही फर्क हुआ, फास्ट सा रिविजन है। एक 1:1 एक 1:1 मिक्सचर ऑफ सिंपल सोल्ट है, कोऑर्डिनेशन में कोई रेशियो फिक्स नहीं है। उसके बाद अगर मैं डबल सोल्ट की बात करूं तो जैसे कि एग्जांपल है KCl-MgCl2.6 वाटर, जिसको कि आप कार्नलाइट बोलते हो, ये स्प्लिट हो जाएगा, ये स्प्लिट हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं K3FeCN6 की बात करूं तो इसके अंदर का कॉम्प्लेक्स आयन, इसके अंदर का कॉम्प्लेक्स आयन और कैटायन तो अलग अलग हिस्सों में जाएगा, बट सीएमआई अपना टेस्ट नहीं देगा। उसके बाद अगर हम बात करें, यहां डबल सोल्ट में आयोनिक कंपाउंड हुए गए, जिसे KCl-MgCl2, KCl और MgCl2 के बीच में आयोनिक बॉन्ड बना हुआ है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसे सल्फेट के अंदर है, तो हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, लेकिन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बिना कोऑर्डिनेट कंपाउंड के नहीं बनता, जिसका नाम ही कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। हाँ जी, तो प्रॉपर्टीज ऑफ द डबल सोल्ट आर सेम एज दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स। मैंने क्या बोला, K4FeCN6 है, क्लियर ना? यहां आपके पास K4FeCN, तो पोटेशियम के साथ जो Fe है ना, उसकी प्रॉपर्टीज कॉम्प्लेक्स में नहीं आएंगी, लेकिन KCl-MgCl2 में KCl की, MgCl की प्रॉपर्टीज इसमें आ जाएंगी। प्रॉपर्टीज में कोई चेंज ना हो तो वो डबल सोल्ट है, ठीक है जी। और डबल सोल्ट में मेटल आयन अपनी नॉर्मल वैलेंसी में रहेगा, MgCl2 के साथ है, NaCl1 के साथ है। लेकिन अगर मैं बात करूं K4FeCN6, तो आयरन यहां 6 बॉन्ड विद साइनाइड बनाकर बैठा हुआ है।
है जी। अब FeSO4 सॉल्यूशन को NH4 होल ट्वाइस SO4 सॉल्यूशन के 1:1 मोलर रेशियो ने आयरन का टेस्ट भी देना है, क्लियर ना, और अमोनियम का टेस्ट भी देना है, ओके। लेकिन कॉपर सल्फेट अगर आप मिक्स करेंगे तो कॉपर सल्फेट ने आपको CU अमोनिया होल 4 सल्फेट बना के दे दिया, CU अमोनिया होल 4 सल्फेट बना के दे दिया, जिससे आप कॉपर प्लस 2 का टेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो बड़ी सिंपल सी बात, पिछले 5-4 पेजेस का एक ही डिस्कशन निकल रहा है, रिजल्ट निकल रहा है, कंक्लूजन निकल रहा है। सिंपल सॉल्ट विल गिव द क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ ईच आयन व्हाइल द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स डजंट। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, क्लियर। उस इंपॉर्टेंट टर्म में पहली बात है CMI, जो एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइडर है, लुइस एसिड की तरह बिहेव करता है। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स CMI प्लस लीगेंड्स को आप कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। लीगेंड लोन पे डोनर है जो लुइस बेस का काम करता है। ये कैटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। यूनिडेडेंट एक लोन पे डोनेट करने वाला, वाटर एक्वा अमोनिया AMMINE Cl- क्लोराइडो Br- ब्रोमाइडो F- फ्लोराइडो I- आयोडाइडो OH- हाइड्रोक्साइडो। बाइडेंटेट या डाइडेंटेट जो दो लोन पे डोनेट करें, जैसे कि बेस्ट है आपके पास इथाइलिन डायमाइन। जनरली आजकल जो एग्जाम में पूछा जा रहा है वो सीधे सीधे आपको इस इथाइलिन डायमाइन का स्ट्रक्चर पकड़ा देंगे और बोलेंगे भाई इसका आप नाम बताओ। तो इथेन 1,2 डायमाइन या कॉमन नेम इथाइलिन डायमाइन, इसका कॉमन नेम हो जाएगा। ऑक्सलेट हुआ, ग्लाइसिन हुआ। पॉलीडेंटेट जिसमें दो से ज्यादा लोन पे डोनेट हो जाए, ये आपका हेक्साडेंटेट है। इसके बारे में 2021 में डिस्कशन हुआ, 2021 के नीट के पेपर में डिस्कशन हुआ। ये इथाइलिन डायमाइन पर टेट्रा एसिटेट है, तो टेट्रा एसिटेट का ओ 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, इथाइलिन डायमाइन के नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। तो EDTA हेक्साडेंटेट लीगेंड हुआ। MB वो है जो नेचर वाइज मोनोडेंटिटी है, एम्बीडेंटेट लीगेंड वो है जो नेचर वाइज मोनोडेंटेट लीगेंड ही है। लेकिन इसके अंदर दो डोनर एटम होंगे, ONO NO2 एम्बीडेंटेट लीगेंड हुआ जिसमें ओ डोनर है, एन डोनर है, CNO NCO सी डोनर है, एन डोनर है, CN- NC- कार्बन और नाइट्रोजन डोनर है। सिमिलरली सी जो SCN है सल्फर डोनर, सल्फर S डोनर है, और दूसरे NCS में नाइट्रोजन डोनर का बिहेवियर कर रहा है। ये एम्बीडेंटेट हुए, मोनोडेंटेट लीगेंड हुएंगे, लेकिन दो डोनर आइटम है बट नॉट साइमल्टेनियसली, एक साथ दोनों डोनेट नहीं हो सकते। किलेटिंग लीगेंड वो लीगेंड है जो किलेशन रिंग का फॉर्मेशन करें, किलेटिंग लिगेंड्स वो है जो रिंग का फॉर्मेशन करें, क्लोज मतलब पंजे, फॉर्मेशन ऑफ रिंग। तो यहां डोनर एटम कम से कम दो होने जरूरी है जिससे रिंग बन पाए, क्लियर ना। और अगर 5 से 6 मेंबर की रिंग बन रही हो तो उसे स्टेबिलिटी आती है, और उसमें अगर कॉन्जुगेशन हो जाए तो मान के चलिए स्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ेगी, मान लीजिए स्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ेगी। तो यहां आपके पास जैसे कि आपको दिखा रखा है प्लेटिनम पर 2 ClCl है, और इथाइलिन डायमाइन ने 5 मेंबर्ड रिंग बना रखी है। इथाइलिन डायमाइन को इथेन 1,2 डायमाइन भी बोल सकते हैं आप लोग। इथाइलिन डायमाइन ने 5 मेंबर्ड रिंग बना रखी है, ये आप देख सकते हैं कि निकल के साथ इथाइलिन डायमाइन ने 5 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन फिर किया हुआ है। सिमिलरली यहां आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका हेक्सा डायोर पेंटा, जो भी आपके पास 2 या 2 से ज्यादा डोनर लीगेंड होंगे, एटम्स होंगे, तो ये एसिटाइल एसिटोनेटो है। देखिए मैंने पहले एसिटाइल बनाया, उस पर एसिटोन पर उसको अटैच कर दिया, और फिर उसके अंदर टोटोमरिज्म करवाई, फिर एक प्रोटोन डोनेट किया, और ये ओ लोन पेयर, जब ये ओ नेगेटिव और ये ओ लोन पेयर डोनेट होएगा तो CMI के साथ एक रिंग का फॉर्मेशन करेगा, जिसको कि आप लोग कह सकते हैं कि किलेशन हो गया है, जिसको कि आप कह सकते हैं कि कॉन्जुगेटेड स्टेबल स्ट्रक्चर बन गया है। देख सकते हैं सिंगल डबल, और उसके अंदर स्टेबिलिटी कंपेरेटिवली बढ़कर आ रखी है। फ्लेक्सीडेंटेड वो लिगेंड है जो नेचर वाइज तो
आपके पास मोनोडाई हो सकता है, तो अपनी बिहेवियर को अकॉर्डिंग टू द नीड बदल लेगा। पॉलीडेंटेट लिगेंड है लेकिन फ्लेक्सी नेचर है इसका। ऑल डोनर एटम मे नॉट फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सारे के सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड ना बनाए। क्लियर ना? अब मेरे से कोई पूछे सल्फेट फ्लेक्सी है और पोली भी है, तो भाई एक जैसे वर्ड्स हैं। फ्लेक्सी का होना मतलब दोनों अपने ऑक्सीजन के लोन पे डोनेट ना करे तब भी चल जाएगा। फ्लेक्सी मतलब पॉलीडेंटेट है लेकिन फ्लेक्सी नेचर है। EDTA मैक्सिमम 6 बना सकता है, लेकिन इससे कम 4-5 भी अगर बना ले किसी जगह पर तो उसको फ्लेक्सी डेंटेट लिगेंड बोलेंगे। सो ऑल द पॉलीडेंटेट लिगेंड्स आर द फ्लेक्सी डेंटेट, मेरी तरफ से हाँ है। कोऑर्डिनेशन नंबर, जो जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड CMI के साथ बन रखे उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। CMI के पास जितने लिगेंड है उनको डेंटिसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। CMI के पास जितने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उनको डेंटिसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। CMI के पास जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिगेंड लगे हैं उसको उसकी डेंटिसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि CO C2O4, यहां C2O4 डाइडेंटेट है तो इसकी डेंटिसिटी 2 है, तो 3 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, क्लियर, उसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर। अब एक जनरल है लेकिन ऑलवेज नहीं है। सिल्वर 2 कोऑर्डिनेशन बनाएगा, गोल्ड 2 और 4 भी बना सकता है, टाइटेनियम 2 बनाएगा, कॉपर प्लस 1 2 और 4 भी बना सकता है, P+2 6 बना सकता है, Fe+2 6, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है। कुछ ऐसे हैं जैसे कि प्लेटिनम है, जैसे कि PT है, ये +2 के अंदर 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है जबकि PT +4 में 6 बनाता है। तो कई बार आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की नीड वहां नहीं रहती है। आप देखिए प्लेटिनम के अराउंड अगर 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हुए, +2 में जनरल बात कर रहा हूं, अगर प्लेटिनम के अराउंड 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हुए तो +2 में अगर प्लेटिनम के अराउंड 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हुए तो समझ लीजिए वो +4 में है। ठीक है जी, ऑक्सीडेशन नंबर तो आपको रेडॉक्स चैप्टर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर ना? ऑक्सीडेशन नंबर नेट चार्ज ऑन द CMI है, नेट चार्ज ऑन द CMI है, K3 Fe CN होल 6। कई बार बच्चे इसमें बहुत तकलीफ में आ जाते हैं, कारण वो रेडॉक्स चैप्टर पढ़ के आए नहीं है। तो जैसे साइनाइड है वो -1 है, तो 6 साइनाइड -6 हो जाएगा, और K3 Fe CN6, तो K3 अपने आप को नेचर वही सेम रखेगा +3, Fe X रख दोगे आप लोग, साइनाइड -1 -1 6 बार कर दोगे आप, तो X = क्या निकल आएगा आपके पास +3। ये नेस्लर रिएजेंट है K2 HCl4, +2 लिख दिया, मरकरी का X लिख दिया, यहाँ -4 0, क्योंकि आयोडाइड तो आपको पता ही है -1 होता है, तो सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +2 आ गया है। सिमिलरली ये पर्शियन ब्लू पड़ा हुआ आप देखें Fe4 Fe CN होल 6, यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ से दिखेगा आपको वो +3 है, और इस पूरी एंटिटी का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ से दिखेगा ये आपके पास -4 है। दैट्स वाई हम इस पूरी एंटिटी में जो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं +2, क्योंकि साइनाइड आपके पास कैसे नेचर का है, -2 नेचर का है, साइनाइड आपके पास -2 नेचर का है। ठीक है जी, ये पर्शियन ब्लू है, पर्शियन ब्लू जो कि हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्यूरिफिकेशन में नाइट्रोजन की टेस्टिंग के ड्यूरिंग बनता है। फिर इन्होंने यहां ऑक्सीडेशन नंबर के एग्जांपल पूछे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड काउंटर आयन, एक स्क्वायर ब्रैकेट है जिसमें कि आपको CMI प्लस लीगेंड दे रखे होंगे, CMI एंड लीगेंड दे रखे होंगे, और उसके बाहर जो आयोनाइजेबल डिसोसिएबल स्पीसीज है जैसे CO H2O 6 Cl3, उसको हम काउंटर आयन बोलते हैं। CO H2O 6 Cl3 जो Cl3 है उसको हम काउंटर आयन बोलते हैं, CO H2O 6 Cl3 उसको हम काउंटर आयन बोलते हैं, और पूरी की पूरी स्पीसीज ही आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो जाएगी। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यहाँ काउंटर आयन जो पानी में आयोनाइज होकर हमें दिख जाए वाटर में, जब इसको डालेंगे K4 Fe CN6 को तो 4 K प्लस दिखेंगे आपको, Fe+2 नहीं दिखेगा जैसा कि मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन में बताया था। दैट्स व्हाई पोटेशियम इज कंसीडर्ड एज द काउंटर आयन, पोटेशियम इज कंसीडर्ड एज द काउंटर आयन। फिर हम कुछ लीगेंड्स के बारे में देखते हैं, यहाँ कुछ लीगेंड्स मैंने आपको दिखा रखे हैं, एक बार जल्दी से इस पे नजर मार लो। जैसे कि साइनाइड है CN- है, साइनाइड आपके पास CN- है, फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, इनके नाम जानने बड़े जरूरी हैं, और जब आप नोमेनक्लेचर करोगे तो इन सबके नाम के साथ ओ लगा दोगे साइनाइडो,
हैलाइडो, फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो जो नेगेटिव आयन है, हाइड्राइड, हाइड्राइडो जैसे एनओ टू माइनस है नाइट्रो और ONO को नाइट्राइटो, और वैसे ही NO3- जैसे कि आप पढ़ते आ रहे हो नाइट्रेट है तो इसको नाइट्रेटो बोल दोगे, OH- को हाइड्रोक्साइडो बोल दोगे, NH2- को AMIDO बोल दोगे एमिडो, और SCN में सल्फर डोनर होने की वजह से इसको थायोसाइनेटो बोलने वाले हो। ठीक है जी, इसकी कैटेगरी में अब आपके पास है NCS-, फिर एसीटेट हुआ जिसको एसीटेटो बोलोगे आप नोमेनक्लेचर के अंदर, O- तो एक सिंपल ऑक्साइड है जिसको आप ओक्सो या ऑक्साइडो बोल रहे हो, ऑक्साइडो इज बेटर जो अभी आजकल के नोमेनक्लेचर में चल रहा है ऑक्साइडो। देन O2- टू आपको पता ही है पर ऑक्साइड बॉन्ड है O2- टू, उसको आप बोलोगे पर ऑक्साइडो। एक O2- है जो यहाँ मिसिंग था तो मैंने लिख दिया, उसको बोलते हो आप लोग सुपर ऑक्साइडो, उसको बोलते हो आप लोग सुपर ऑक्साइडो। ठीक है जी, देन आफ्टर आपके पास सल्फाइड से सल्फाइडो बन गया है, देन आफ्टर सल्फाइटो बन गया है, तो कुल मिलाकर ये आपके पास O2- टू O- O2- S- टू SO3- टू। और आप छोटी क्लासेस में इन सबके बारे में सीख कर आए तो ये आपके लिए बड़ा इजी रहेगा इनको बताना कि एनायन के नाम के साथ में आपने ओ सफिक्स लगाना है। SO4- टू सल्फेटो हो गया, S2O3- टू एक आपके पास थायोसल्फेट है उसे थायोसल्फेटो हो गया, कार्बोनेट कार्बोनेटो हो गया, नाइट्रोजन पे माइनस टू का चार्ज है तो ये इमिडो, EIEMIDO इमिडो। अगर ये NH2- था तो आपने एमिडो बोला था, और NH-2 है तो आप इसको इमिडो बोल रहे हो, IMIDO इमिडो बोल रहे हो। आइडेंटिट के अंदर ये आपका दो ऑक्सीजन डोनर वाला ऑक्सिलेट, सो ऑक्सिलेटो, और ये भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जब किलेशन सिखाया था ना तो वहां एसिटाइल एसिटोनेट, वहां से बन जाएगा एसिटाइल एसिटोनेटो। देन आपके पास ग्लाइसिन ग्लाइसिनेटो बन जाएगा, उसके बाद हमारे पास डाइमथाइल ग्लाइओक्साइम है तो डाइमथाइल ग्लाइओक्सिमेटो बन जाएगा, डाइमथाइल ग्लाइओक्सिमेटो। और फिर ये पेंटाडेंटेट जहां इस एच को हमने यूज नहीं किया अभी तक, तो ये मेरे पास हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन हेक्सामिथाइलिन, ये मेरे पास इथाइलिन डाइअमाइन ट्राई एसिटेटो हो गया, ट्राई एसिटेटो, क्लियर ना। और जैसे आप इसके सारे के सारे डोनेट करोगे तो ये आपके पास बन जाएगा नेक्स्ट इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटेटो, टेट्रा एसिटेटो। और एक और है जो वेरी बेटर और वेरी बेस्ट माना जाता है, एग्जाम्स का पार्ट बनता है, जो है आपके पास ग्लायोक्सल, ग्लायोक्सल का रिएक्शन कराओ हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ तो ग्लायोक्साइम बनेगा, और ग्लायोक्साइम को जैसे ही आप लोग एक एच डोनेट करेंगे, ये वाला एच डोनेट करेंगे, और वहां जो हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने का प्रोसेस होएगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। और वैसे भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पूछा जाता है, निकल प्लस टू की क्वालिटेटिव टेस्टिंग कैसे की जाए, निकल प्लस टू की क्वालिटेटिव टेस्टिंग, निकल प्लस टू की क्वालिटेटिव टेस्टिंग कैसे की जाए, इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है। निकल प्लस टू की क्वालिटेटिव टेस्टिंग अगर आपने करनी है, निकल प्लस टू की क्वालिटेटिव टेस्टिंग अगर आपने करनी है तो बड़ा आसान तरीका आपके पास है कि आप लोग निकल का डीएमजी के साथ, निकल का डीएमजी के साथ रिएक्शन करवा दें, निकल का डीएमजी के साथ रिएक्शन करवा दें, तो निकल डीएमजी होल्टवाइज करके, निकल डीएमजी होल्टवाइज करके, निकल डीएमजी होल्टवाइज करके आपके पास एक स्ट्रक्चर बनता है, निकल डीएमजी होल्टवाइज करके आपके पास एक स्ट्रक्चर बनता है जो कि रोजी रेड या आपके पास पिंक रेड कलर का होता है, रोजी रेड या फिर पिंक रेड कलर का होता है, रोजी रेड या फिर पिंक रेड कलर का होता है। ठीक है जी, तो यहाँ किलेशन हो रखा है, इसकी स्टेबिलिटी की वजह किलेशन भी है, और इसकी स्टेबिलिटी की वजह हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मानकर चलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मानकर चलते हैं। नाइट्रोजन नाइट्रोजन ने यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ने यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा है, और ओ ने यहाँ एच के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रखी है, तो दो रीजन हम यहाँ स्टेबिलिटी के मान के चलते हैं, दो रीजन हम यहाँ स्टेबिलिटी के मान के चलते हैं जी। और ये मैंने आपको बताया, इस बार एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, और इसके अलावा
2021 में भी इथाइलिन डायमाइन हेक्सा इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट के बारे में पूछा गया, जो कि एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है। न्यूट्रल में चले अमोनिया AMMMINE इसका एपेक नेम में यूज होएगा, वाटर का एक्वा के फॉर्म में यूज होएगा, NO का नाइट्रोसिल के फॉर्म में यूज होएगा, CO का कार्बोनिल के फॉर्म में यूज होएगा, CS का थायोकार्बोनिल के फॉर्म में यूज होएगा, PH3 का फोस्फीन के फॉर्म में यूज होएगा, ट्राइफिनाइल फोस्फीन आपके पास फोस्फोरस लोन पे डोनर है तो ये आपके पास डोनेट करेगा अपना लोन पे, जैसे फोस्फीन पे ही एच हटाकर आपने ट्राइफिनाइल लगा दिया है। एक आपके पास थायो यूरिया, एक आपके पास है थायो यूरिया जो थायो यूरिया के नाम से जाना जाएगा। एक पिरिडिन है जो कि अंदर ही अंदर हमारा हकल्स रूल ओबे करने की वजह से पुअर बेस बन चुका होता है, लोन पे डोनर है, अंदर अच्छा बेस है, पायरोल होता है, ये पिरिडिन है तो लोन पे डोनर है, ये वाला लोन पे डोनर, दैट्स व्हाई एक ये लिगेंड का रोल कर रहा है न्यूट्रल लिगेंड, इसको पिरिडिन नाम से आप जानोगे। डिपाइडेंटेट में न्यूट्रल में इथाइलिन डायमाइन फेमस है। नेक्स्ट डाइपिरिडाइल जो पिरिडिन से ही बना हुआ है डबल करके, है ना जी। उसके बाद आपका ये ओ फिनेंथ्रोलिन है, फिर आपके पास डाइथाइलिन ट्राइमाइन है, फिर ट्राइथाइलिन टेट्रामाइन है। इनको बनाने के लिए बच्चों को मैंने बता रखा है कि आप CH2 CH2 लगातार लगाए, फिर NH लगाए, फिर CH2 CH2 लगाए, फिर NH2 लगाए, क्लियर। इथाइलिन इथाइलिन दो बार हो गया तो डाइथाइलिन हो गया और यहाँ ट्राइअमाइन हो गया, तो ये अच्छा तरीका है सीखने का। ट्राइडेंटेट लिगेंड ये बन गया। ये पॉजिटिव लिगेंड है जो रेयरली यूज होते हैं, एक नाइट्रोसोनियम, एक नाइट्रोनियम, एक हाइड्रेजिनियम। हाइड्रेजिन को तो बच्चे जानते ही जानते हैं, इसी से आपका हाइड्रेजिनियम बच जाएगा, इसी से आपका हाइड्रेजिनियम बच जाएगा। ठीक है जी, जैसे C2H4 है, फाइलीन बोलते हैं इसको, C6H5 को फिनाइल बोलते हैं, आप जानते ही हैं फिनाइल आपका फेवरेट, क्लोरोबेंजीन वगैरह ये सब बनते रहते हैं, क्लियर ना। ये इथीन हुआ, फिर फिनाइल हुआ, फिर साइक्लोपेंटा डाई डाई इनाइल हुआ, डाई इन मैं यहाँ रुका इसलिए कि आप समझ पाओ, डाई इन मतलब दो डबल बॉन्ड, और वैसे भी ये एरोमेटिक कंपाउंड है, कौन साइक्लोपेंटा डाई इनाइल, नेगेटिव साइन पड़ा हुआ इसके पास, हकल रूल्स का ओबे कर रहा है हकल रूल को ना, और ये सारे के सारे लिगेंड का काम कर सकते हैं। और जैसे चैप्टर की एंडिंग पे आएंगे तो ये फेरोसिन के अंदर रहता है, जिसमें आप बिस साइक्लोपेंटा डाइनाइल आयरन टू करके कंपाउंड बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन का सिंपल मतलब होता है शेप या ज्योमेट्री, तो स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल यहाँ का टारगेट है। उसके बाद होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक एनसीईआरटी भी देती है इस टर्म को। होमोलेप का मतलब हुआ जहाँ आपके पास लिगेंड सेम पड़े, और हेट्रोलेप का मतलब हुआ जहाँ लिगेंड आपके पास डिफरेंट टाइप के हों। सेम लिगेंड होमोलेप्टिक, डिफरेंट लिगेंड हेट्रोलेप्टिक, सेम लिगेंड होमोलेप्टिक डिफरेंट लिगेंड, तो आपके पास बनेगा हेटेरोलेप्टिक। चलो जी, मोनोन्यूक्लियर पॉलीन्यूक्लियर, मोनो अगर आपके पास एक CMI है, अगर सेंट्रल मेटल एटम एक है तो आप उसको मोनोन्यूक्लियर बोलेंगे। अगर आपके पास नंबर ऑफ CMIs ज्यादा हो जाए तो उसको आप लोग बोलेंगे पॉली न्यूक्लियर, तब आप उसको बोलेंगे पॉली न्यूक्लियर। ठीक है जी, तो एक सेंटर मोनोन्यूक्लियर, एक से ज्यादा CMI तो उसको बोलेंगे आप पॉली न्यूक्लियर। नाउ नोमेनक्लेचर की बात शुरू हो रही है, तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर में बच्चों ने फॉलो क्या करना है, बच्चों ने सबसे पहले जो नेम दिया ना, स्ट्रक्चर दिया, उस स्ट्रक्चर में जो सबसे पहले शुरू हो रहा है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर अगर है तो, जैसे कि आप इसको देख सकते हैं ये K4FeCN6 लिखा हुआ है, K4FeCN6 लिखा है, तो इसका जो स्टार्ट है वो K4 है, तो कैटायन पड़ा दिख रहा है आपको, तो इसको आपने सबसे पहले लिख देना है विदाउट नंबर, विदाउट नंबर मतलब टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखना, आपने पोटेशियम लिखना है। उसके बाद आपने लिगेंड्स को लिखना है इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, उसके बाद आपने लिगेंड्स को लिखना है इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, लिगेंड्स रहेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, लिगेंड्स रहेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, लिगेंड्स जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएंगे, लिगेंड्स जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएंगे तो वहां आपको जो नेगेटिव लिगेंड है, जैसा कि मैं आपको पीछे से बताता आ रहा हूं, तब आप एक सफिक्स लगाएंगे ओ, तब बन जाएगा आपके पास नाइट्रेटो, नाइट्राइटो, सल्फाइटो, सल्फेटो,
और अगर कोई किटायन होएगा तो एक सफिक्स लगा देंगे आप IUM, तो बन जाएगा नाइट्रोसोनियम हाइड्रेजिनियम एटसेट्रा। और वैसे अगर न्यूट्रल है, अगर कोई न्यूट्रल है तो आप बोलेंगे एक्वा AMI यानी अमाइन, नाइट्रोसिल, कार्बोनिल, ये सब न्यूट्रल होंगे। उसके बाद एंड में आप मेटल का नाम लिखेंगे और मेटल के एंड में एक सफिक्स लगा देंगे जो आपको बताएगा एट, लाइक अर्जेंटेट। वो तब लगाना है जब आपके पास कोऑर्डिनेशन एंटिटी नेगेटिव हो, तो आप चेक कर सकते हैं ये पहला कंपाउंड या दूसरा कंपाउंड। तो पहले कंपाउंड के अंदर K4FeCN होल सिक्स है, तो के बाहर का बाहर रह गया, और जो FeCN होल सिक्स है ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उस पर नेगेटिव चार्ज है, ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो आप बड़ी सिंपल वे में कह सकते हैं, कि इसको मैं फेरेट बोलूंगा। और जो सेकंड नंबर पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसके एल्युमिनियम को मैं एल्युमिनेट बोलूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास स्क्वायर एंटिटी के बाहर किटाइन पड़ा हुआ था, तो CMI के साथ मैंने एक सफिक्स जोड़ना है, CMI के साथ मैंने एक सफिक्स लगाना है जिसको मैं एट सफिक्स के साथ लगाऊंगा, जैसे अर्जेंटेट, जिंकेट, ओरेट, क्लियर, फेरेट, ये सब आ जाएंगे। अगर ये एंटिटी न्यूट्रल हो और या फिर ये एंटिटी आपके पास नेगेटिवली की जगह पॉजिटिवली चार्ज हो, तो फिर मैं जो CMI है उसके CMI के नाम में कोई चेंज नहीं करूंगा। तो बड़ा सिंपल वे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड राइट द कैटायन विदाउट नंबर, देन लिगेंड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इफ नेगेटिव लिगेंड ओ, पॉजिटिव लिगेंड IUM, न्यूट्रल नो चेंज। इफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज नेगेटिव, यू शुड राइट द एट सफिक्स विद मेटल, एंड देन आफ्टर मेटल के नाम के साथ कुछ भी चेंज नहीं, अगर ये एंटिटी न्यूट्रल हो या पॉजिटिव हो। फाइनली स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आइए आप, वहां अगर आपको कोई एनायन दिखता है, तो उस एनायन के साथ उसका बिना नंबर का, लाइक 3 Cl हो तो ट्राइक्लोराइड की जगह क्लोराइड लिखेंगे आप, ठीक है जी। और एक छोटी सी बात जो यहां हम मिस करके आए, लेकिन वो इंटेंशनली मिस थी, कि अगर CMI का, इफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CMI इज इन पॉजिटिव, तो उसको आप रोमन में लिखें, अगर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द CMI नेगेटिव हो तो उसको आप अरेबिक में लिखें, -1, -2, -3 एटसेट्रा, ठीक है जी। ये फंडा आप ओबे करेंगे, नोमेनक्लेचर के रूल हुए। एक छोटी सी बात और समझनी है, आजकल जो 2022 का पेपर बनेगा या फिर इसके आगे जितने भी 23, 24, 25 में बनेंगे, तो IUPAC ने एक और अरेंजमेंट हमें दिया है, जो एम्बिडेंटेड लिगेंड है उनका नाम फिक्स कर दिया, लाइक CN और NC- को साइनाइडो ही बोलना है, CN- को और NC- को आपने साइनाइडो ही बोलना है, CN- को और NC- को आपने साइनाइडो ही बोलना है। लेकिन साइनाइडो में सी जुड़ा हुआ है, दैट्स वाई आप साइनाइडो सी लिख दें, और NC में आपके पास N जुड़ा हुआ है तो हम साइनाइडो N जोड़ते हैं, ठीक है जी। सिमिलरली साइनेटो सी, साइनेटो N, ये नाम फिक्स कर दिया एम्बिडेंटेड का, बस जिससे वो कनेक्टेड है यू शुड राइट दैट एटम इन द ब्रैकेट, उस एटम को आप ब्रैकेट में लिख दें। उसके बाद जो ब्रिजिंग लिगेंड्स है, दो CMI के बीच में अगर कोई लिगेंड फंसा हो, ट्रैप्ड हो, क्लियर, तो उसके आगे आप एक प्रीफिक्स लगाएंगे जिसका नाम है म्यू, जिसका सिंबलाइज्ड है म्यू, ठीक है जी, म्यू। तो म्यू म्यू डाई, अगर बीच में अमोनिया लगाओ तो AMI यानी, अगर वाटर लगाओ AQUA, अगर NH2 लगाओ तो एमिडो, NH लगाओ तो इमिडो, पहले AMID दो फिर IMIDU है, तो ये थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। अब देखो जो नेगेटिव एंटिटी है उसके नाम में चेंज करके दिखा रखा है, क्रोमेट, कोबाल्टेट, क्यूपरेट, फेरेट, जिंकेट, निकलेट, एल्युमिनेट, पैलेडेट, इरिडेट, क्लियर ना, इरिडिनेट एंड ऑस्मेट, स्टेनेट, ओरेट, अर्जेंटेट एंड प्लेटिनेट। फिर उसके बाद द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड शुड नॉट स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, और ये सारा के सारा आपके पास एक ही सिंगल वर्ड में लिखा जाता है, बाकी तो आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, उसके अकॉर्डिंगली आप बिहेव करेंगे।
बस मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता था कि वैसे सिलेबस का पार्ट है नहीं ये वाला, लेकिन आपको जरूर एक बार नजर मार लेनी चाहिए कि ये मेरे पास दो कोबाल्ट के बीच में फंसा हुआ, ये मेरे पास दो कोबाल्ट के बीच में फंसा हुआ NH2 है। तो मैंने इसको म्यू AMIDO लिख दिया, AMIDO मीटो। उसके बाद मैंने अगर यह लाइन खींची तो दोनों तरफ झांका, पांच अमोनिया इधर है, पांच अमोनिया इधर है, तो मैंने इसको बिस पेंटामाइन लिख दिया, बिस पेंटामाइन। और कोबाल्ट मेरे पास दो है तो मैं इसके साथ डाइकोबाल्ट लिख रहा हूँ, लेकिन ये या ब्रैकेट यहाँ खत्म हो गया था ना, दैट्स वाई इसको डाइकोबाल्ट लिख रहा हूँ, थ्री लिख रहा हूँ, नाइट्रेट लिख रहा हूँ। नाइट्रेट एक आयोनाइजेबल है, दैट्स वाई नो नीड टू राइट द नंबर पेंटा नाइट्रेट, ऐसा लिखने की नीड आपको नहीं है। अगर आपके पास नेम लिखा हो और कंपाउंड बनाना हो तो सबसे पहले CMI को लिखो, फिर उसके लिगेंड्स सेटिस्फाइड कर दो, जो चार्ज बचेगा उसके अकॉर्डिंगली कैटायन आप उस पर लगा सकते हैं। जैसे कि इसमें टेट्रा अमाइन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट 3, तो पहले कोबाल्ट 3 लिखेंगे, फिर उस पर आप क्लोराइडो एक क्लोराइड लगाएंगे, टेट्रा अमाइन 3 अमोनिया लगाएंगे और एक एक्वा, चेक कर ले ये देखो, तो कोबाल्ट रहा, टेट्रा अमाइन रहा, एक्वा रहा, क्लोराइड रहा और ये काउंटर है। जी ये आप काम कर सकते हो, CO अमोनिया होल 4, ये AMIN नहीं है, ये AQU है, ये C है, इसको भी यहाँ इन्होंने अल्फाबेटिकली ही अरेंज किया है। जी ये हमारा प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन आ गए, तो जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच बिटवीन एपिक नेम एंड कॉम्प्लेक्स, तो जैसे कि हेक्सा म्यू एसिटेटो ओ डैश म्यू 4 ऑक्साइडो टेट्रा बेरिलियम 2, तो सोचने और समझने की बात क्या है कि ये मेरे पास एसिटेट थे 6, तो क्या लिखा गया, हेक्सा म्यू एसिटेटो, उसके बाद म्यू 4 ऑक्साइडो, ये ऑक्सीजन लिखा गया, टेट्रा बेरिलियम 4 बेरिलियम है, ऑक्सीडेशन नंबर 2 है। तो आपको इस चार ऑप्शन में से स्क्रीनशॉट लेकर ढंग से इसकी नेमिंग करवा देनी है, और फिर कोई डाउट हो तो आप डिस्कशन कर लीजिएगा। हेक्सा म्यू क्लोराइडो म्यू 4 ऑक्साइडो टेट्रा किस PPH3, यहाँ टेट्रा कॉपर 2, क्योंकि कॉपर यहाँ 4 है, ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, उससे भी कई बार हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं, ये ट्राइफिनाइल फोस्फीन है। ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो ड्यूरिंग द क्लासेस बच्चों से प्रैक्टिस में लिए गए हैं, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, 2-3 मिनट रोककर इसके नेम्स को मैच करा लो। कई बार सोल्ड क्वेश्चन को देखकर भी हमें कुछ समझ में आ जाती है बात। नेम को ध्यान से देख लीजिएगा, वैसे इतना थोड़ा सा लेबर लेते नहीं है मेडिकल एग्जाम्स के अंदर, लेकिन एक बार चेक जरूर कर लें आप। पोटेशियम AMI यानी अमाइन है, उसके बाद डाई साइनाइडो लिख सकते हैं आप, ये वाला साइनाइडो, डाई ऑक्सो इसको आप ऑक्साइडो लिख सकते हैं, डाई ऑक्साइडो, पर ऑक्सो एक ही है, पर ऑक्साइडो लिख सकते हैं इसको आप, क्रोमेट 6 हो गया। ये भी सिस ट्रांस फॉर्म में दिख रहे हैं आपको, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन यहाँ सिस फॉर्म में, क्योंकि ये आइसोमेरिक शो कर नहीं रहा, अगर इसकी लोकेशन या बदल तो ये इसका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा।
यहाँ इन्होंने कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोम दिखाने की कोशिश की, दो अमोनिया एक इधर इसको इंटरचेंज कर दिया, यहाँ तीन अमोनिया हो गए। इसके बाद हमारा गेम चलता है आइसोमेरिज्म की तरफ। तो बच्चों को सीखना है मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होएगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले सेम और डिफरेंट हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले सेम और डिफरेंट हो सकते हैं। अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूले डिफरेंट है तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जनरेट होगी, और वो जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, वो जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो आपके पास हाइड्रेट आयोनाइजेशन कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन पोजीशन पॉलीमराइजेशन लिंकेज और लिगेंड टाइप की होगी। हाइड्रेट जिसमें वाटर का हेर फेर अंदर बाहर होगा, आयोनाइजेशन जिसमें एक पर्टिकुलर आयन का हेर फेर या अंदर बाहर होगा, कोऑर्डिनेशन तो स्क्वायर एंटिटी होनी जरूरी है, कोऑर्डिनेशन पोजीशन ब्रिज्ड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होना बड़ा जरूरी है, पॉलीमराइजेशन ये कोई रियल आइसोमेरिज्म है नहीं, लिंकेज एम्बिडेंटेड का होना बड़ा जरूरी है, और लीगेंड जिसमें खुद लीगेंड आइसोमेरिज्म शो कर रहा हो, जैसे कि बेंजीन 1,2-diamine और बेंजीन 1,3-diamine, इससे भी आपको हेल्प लग सकती है। और 3D के अंदर एक ज्योमेट्रिकल एक ऑप्टिकल है, इस पर हम जरूर बात करेंगे ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल पर। तो सबसे पहले हम यहाँ जिस आइसोमेरिज्म को शुरू कर रहे हैं वो आपके पास है आयोनाइजेशन, जो मैंने यहाँ सेकेंड नंबर पे लिख रखी है, और यहाँ मैंने कोई एक्सप्लेनेशन दिया नहीं है। तो सबसे पहले हम आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म जो मैंने यहाँ पहले नंबर पे लिखा है हाइड्रेट फिर लिखा आयोनाइजेशन, तो उसको एक्सप्लेन करते हैं। जब आप आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं, थोड़ा सिंपल सा रूल है इसके अंदर, जो आपके पास लीगेंड के फॉर्म में आयन है और जो काउंटर आयन के फॉर्म में जो आयन है, दो आयन है आपके पास, उनका इंटरचेंज करेंगे आप, उनका इंटरचेंज करेंगे आप, चाहे तो ये प्रिंटेड पड़ा इसमें देख लें, अमोनिया ये सल्फेट है, अमोनिया एक न्यूट्रल है, हाइड्रोक्साइड आयन है, तो हाइड्रोक्साइड का और सल्फेट का इंटरचेंज, बाकी आपको मोलिकुलर फॉर्मूले में कोई करेक्शन नहीं लगाना है। OH सल्फेट अंदर बाहर हो गए, अभी खासियत सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ BSO4 का वाइट पीपीटी देगा, क्योंकि हाइड्रोक्साइड ये हरकत कर नहीं सकता, ये हरकत हाइड्रोक्साइड करेगा नहीं। तो जो बात मैं आपके दिमाग में डालना चाहता हूं उसको समझे, BSO4 पानी के अंदर पीपीटी दे रहा है, जबकि अगर हाइड्रोक्साइड बाहर है तो बेरियम क्लोराइड के साथ वो कोई भी पीपीटी आपको नहीं दे रहा है। वन मोर थिंग, अगर आपको यहां लॉजिकली बात को समझना है तो वो है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू आयंस एंड आयंस मे वर्क्स एज लिगेंड एंड काउंटर आयन, आयंस मे वर्क्स एज काउंटर आयन एंड लिगेंड, आयन एक काउंटर आयन की तरह और लिगेंड की तरह काम कर सकता है, काउंटर आयन की तरह और लिगेंड की तरह काम कर सकता है। ठीक है जी, सिमिलरली यहाँ Br और Cl का, सिमिलरली सल्फेट और नाइट्रेट इंटरचेंज हो रखे हैं, तो ये हरकतें यहाँ चलती रहेंगी, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। बस दो तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ, क्या कि जो पहला ये इस कंपाउंड का थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, इसके नंबर ऑफ आयंस दो बनेंगे, इसके नंबर ऑफ आयन तीन बनेंगे, तो यहीं से पता चल रहा है इसकी कंडक्टिविटी में बड़ा डिफरेंस है, चार्ज +2 -2 है, इस पे +2 -1 चार्ज है, इससे भी कंडक्टिविटी, एक तो नंबर ऑफ आयन से कंडक्टिविटी कंट्रोल होती है, एक तो नंबर ऑफ आयन से कंडक्टिविटी कंट्रोल हो रही है, एक नंबर ऑफ आयंस के साथ साथ चार्ज से भी कंडक्टिविटी कंट्रोल हो रही है, बाकी प्रेसिपिटेशन की बात है। तो अगर आप सोल्ट नंबर 2 को देखें तो ये AgNO3 के साथ पेल येलो कलर देगा, क्योंकि बाद वाला व्हाइट मीन AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा, तो ये भी एक फर्क समझ में आ सकता है आप लोगों को। कंडक्टिविटी नंबर ऑफ आयंस से भी, इसके अलावा कंडक्टिविटी जब नंबर ऑफ आयंस सेम हो, जब नंबर ऑफ आयन सेम हो, कंडक्टिविटी आप चार्ज से भी कंट्रोल करेंगे, कंडक्टिविटी आप चार्ज से भी कंट्रोल करेंगे, नंबर ऑफ आयन्स अलग अलग हो तो उससे कंडक्टिविटी कंट्रोल हो जाएगी, और दूसरा आपके पास नंबर ऑफ आयन से भी कंट्रोल और चार्ज से भी कंट्रोल हो जाएगी, जो पीछे मैंने बताया था आपको। तो जैसे कि एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि इन दोनों की कंडक्टिविटी कंपेयर करो तो +2 -2 नंबर ऑफ आयन्स तो सेम चल रहे हैं दोनों के अंदर, लेकिन जो चार्ज का डिफरेंस है वो इनकी कंडक्टिविटी को डिफर कर रहा है, वो डिफर कर रहा है। हाइड्रेट के अंदर बड़ा सिंपल सा तरीका है, एक पर्टिकुलर कंपाउंड एक
फॉर्मूला दे रखा है COCl3.64 COCl3.64 कहेगा इसमें कितने टाइप के कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बन सकते हैं और उनका आपस में आइसोमरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रिलेशन है। तो मेरा आंसर होएगा COCl3 यहां डॉट सिक्स वोटर के साथ COCl3.6 water के साथ मुझे अगर कंपाउंड्स बनाने पड़ते हैं तो एक ऐसा बनेगा जिसमें Cl3 है, एक ऐसा बनेगा जिसमें Cl2, एक ऐसा बनेगा जिसमें Cl, और एक ऐसा बनेगा जिसमें सारे के सर Cl अंदर है और वोटर अंदर बाहर हो रहा है। जब भी वोटर क्रिस्टलाइन वोटर और लीगेंड के फॉर्म में इंटरचेंज हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेट या सोलवेट आइसोमरिज्म, हाइड्रेट या फिर सोलवेट आइसोमरिज्म। तो हाइड्रेट आइसोमरिज्म में पानी क्रिस्टलाइन वाटर है और लीगेंड है, क्लियर। जहां आप इसके कई सारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं और पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है, पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन आपके पास यही है। क्या क्वेश्चन है आपके पास कि जब भी आप इन चारों कंपाउंड को कंपेयर करें तो एजिस NO3 के एक्सेस के साथ सबसे ज्यादा प्रेसिपिटेशन किसने दिया, फर्स्ट वाले ने दिया, सेकंड वाले ने उससे थोड़ा कम दिया, थर्ड वाले ने और कम दिया, फोर्थ वाले ने बिल्कुल भी नहीं दिया, ठीक है जी। तो नीचे में लिखा हुआ है वेंटो फैक्टर का क्वेश्चन पूछ ले तो आप बता सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस इन द फर्स्ट फोर है, फिर थ्री है, फिर टू है, फिर एक भी नहीं है। ये हरकतें इस टाइप के क्वेश्चन में आपसे की जाएंगी। उसके बाद आपके पास देखो इसमें कलर का भी चेंज आ जाता है, जैसे कि इस कंपाउंड में देखें क्रोमियम में 6 लिगेंड तो वॉयलेट कलर का, और उसके बाद अगर पानी 5 रह गए, वाटर मॉलिक्यूल 5 रह गए तो ग्रे ग्रीन है, और अगर 4 रह गए तो डार्क ग्रीन है। तो कलर में भी इससे चेंज ऑब्जर्व होगा। लिंकेज आइसोमरिज्म के अंदर कोऑर्डिनेशन एंटिटी, लिंकेज आइसोमरिज्म के अंदर कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर जो खुद लिगेंड है उसका एटम का लिंकेज बदलेगा, उसके एटम का लिंकेज बदलेगा, और जैसे ही एटम का लिंक बदलेगा, इमीडिएटली फिर वो एक आइसोमरिज्म शो करेगा जिसको आप लिंकेज आइसोमरिज्म कहते हो। पीटी प्लस टू पर 4 साइनाइड है, उसमें से एक साइनाइड जस्ट ऑपोजिट लग जाए तो आप समझ सकते हैं कि वो एक दूसरे के साथ लिंकेज आइसोमर हो जाएंगे, ठीक है जी। तो आप कलर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक जगह मैंने एन का लिंक बनाया, दूसरी जगह मैंने ओ का लिंक बनाया, उससे क्या हुआ कलर भी बदल गया, एक में नाइट्राइटो एन है, एक में नाइट्राइटो ओ है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म दुनिया का सबसे आसान काम इसलिए है, जहां भी दो कोऑर्डिनेशन एंटिटीज देखो उनके बीच लिगेंड का इंटरचेंज करवाता, जहां भी दो कोऑर्डिनेशन एंटिटीज देखो वहां लिगेंड का इंटरचेंज करवाकर आप कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म दे सकते हो। दो स्क्वायर ब्रैकेट देखते ही आपका खट से आंसर आएगा, सर यहां दो स्क्वायर ब्रैकेट है, दो कोऑर्डिनेशन यहां एंटिटीज है, तो इसका आंसर एक ही बनता है कि इसमें कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म आएगी ही आएगी। इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दोज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस व्हिच हैव टू कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, जहां दो कोऑर्डिनेशन एंटिटीज आपको मिलती हो और लिगेंड का इंटरचेंज होएगा उसी से आपके आंसर आएंगे। जैसे कि अमोनिया जिंक पर 3 बार जुड़ा, ठीक है जी, 4 बार जुड़ा, 1 बार जुड़ा, तो अमोनिया 4 बार जुड़ना, 3 बार जुड़ना, 2 बार जुड़ना, 1 बार जुड़ना और फिर पूरी तरह से हट जाना। तो आपके पास कंपाउंड्स +2 -2 +1 -1 और एक कंपाउंड जिसको मैंने यहां कैंसिल मारा हुआ है, ये वाला कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, ये वाला कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? कि दोनों की एंटिटी 0-0, तो ये सेपरेट आउट हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, कोई अट्रैक्शन का टेंडेंसी रहेगी नहीं, कोई अट्रैक्शन की आदत इनकी रहेगी नहीं। तो ये आपके पास है कोऑर्डिनेशन, इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दोस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स व्हिच हैव टू कोऑर्डिनेशन एंटिटीज ड्यू टू इंटरचेंज ऑफ द लिगेंड्स, लिगेंड्स के इंटरचेंज होने की वजह से ये हरकतें कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन पोजीशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दोस कंपाउंड्स व्हिच हैव द ब्रिजिंग लिगेंड्स एंड पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस, जहां आपके पास दो
सीएमआई जोन और सेंटर जो आपका बना हुआ है वहां ब्रिज्ड लीगेंड पड़ा हो, तो ये उसका करेक्टर है, वहां भी सेम कोऑर्डिनेशन ये था, ये कोऑर्डिनेशन पोजीशन है, तो यहां भी लीगेंड का इंटरचेंज चलेगा। पॉलीमराइजेशन मैंने आपको पहले बताया था, इट इज नॉट द रियल टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, इसमें एम्पेरिकल फॉर्मूले सेम होंगे, इसमें एम्पेरिकल फॉर्मूले सेम होंगे, इसमें एम्पेरिकल फॉर्मूले सेम होंगे। पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म टू और मोर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैव द सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला, चेक कर लें, पीटी के साथ अमोनिया सीएल2 है ना जी, पीटी के साथ दो अमोनिया दो सीएल2 है, यहां पीटी के साथ अमोनिया होल फोर है, सीएल भी होल फोर है, तो एक कंपाउंड पहला और दूसरा इनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो अलग अलग ही होगा, इन दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला तो अलग अलग ही होगा, लेकिन जो चीज डिफरेंट है, वो आपके पास है, जो चीज डिफरेंट है मोलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट, और जो चीज सिमिलर वे में आ रही है वो सिमिलर वे में आ रही है, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला प्लेटिनम वन रेशो, अमोनिया के टू रेशो, क्लोरिन टू रेशो, ये एक दूसरे के साथ पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म शो करेंगे। एक मैं लीगेंड जो लिख रहा हूं उसमें लीगेंड इटसेल्फ शोज द आइसोमरिज्म, लीगेंड खुद एक आइसोमरिज्म शो करेगा, जैसे आपके पास इथेन 1,2 डायमाइन है, इसकी जगह पर इथेन 1,1 डायमाइन अगर लीगेंड के फॉर्म में इसी सीएमआई के साथ जुड़ जाए तो वो लीगेंड आइसोमरिज्म होने वाली है। अब आपके पास है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की बात, तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दुनिया का आसान काम बना दिया मैंने आपके लिए, जब आपके पास मोनोडेंटेट लीगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर दे रखे हो 6 बार, फिर मोनोडेंटेट लीगेंड का नंबर 2 हो जाए, अलग अलग वैरायटी के 2 हो जाए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात ही चल रही है, तो आपको देखना और समझना क्या है, कि जब भी आप कभी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में लीगेंड एक टाइप के जब 6 रहे, क्लियर ना, मोनोडेंटेट 6 रहे से एक टाइप के, या 2 हो जाए या 3 टाइप 3 हो जाए, जैसे एम ए 4 बी सी, तो आप ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए ऑलवेज नो 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 बोलते रहेंगे। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए आपने यस तभी बोलना है, जब आपके पास ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एग्जिबिटेड व्हेन मिनिमम 4 डिफरेंट लिगेंड्स आर प्रेजेंट, जब आपके पास मोनोडेंटेट लिगेंड मिनिमम 4 टाइप के कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आ जाएं, तभी आपको बोलना है कि इसमें ऑप्टिकल है, उससे पहले ऑप्टिकल की कोई चांस नहीं है एक्सेप्ट Ma2B2C2। तो जी आउट ऑफ द 16 कॉम्बिनेशन ऑफ सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेट लिगेंड 13 कॉम्बिनेशन कैन शो द ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एक्सेप्ट MAAA4, MABA4, MAAA3B। तो जब आपके पास डाइडेंटेट लिगेंड एक बार हो, दो बार हो, तीन बार हो, तो आपने सिर्फ इस केस में मना करना है, बाकी आपने ऑलवेज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए हां बोलनी है, चाहे MAA होल ट्वाइस A2 हो, चाहे MAB होल ट्वाइस A2 हो या AB हो, आपको ऑलवेज यस बोलनी है, बस मना तब करना है जब उसका सिमेट्रिकल मतलब सिस फॉर्म आ जाए, तब मना करना है आपने, तो सिस फॉर्म जब भी आपके पास होएगा तब आपको यस बोलना है, ट्रांसफॉर्म में आपको नो बोलकर आना है, ट्रांसफॉर्म इज ऑलवेज इनएक्टिव एज सिस फॉर्म इज ऑलवेज एक्टिव, ठीक है जी, तो वर्ड्स पे ध्यान दे लेना, हो सकता है शायद मैंने पीछे कुछ अलग बोल दिया, तो सिस में सिस के अंदर मुझे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखेगी, ट्रांस के अंदर मुझे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं दिखेगी। मान लो पेपर में क्वेश्चन है जिसमें आपके पास MAA होल ट्वाइस A2 शो कर रहा है, तो आप बोलेंगे क्या इसके सिस एंड ट्रांस दोनों शो कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगा नहीं, इसका सिर्फ और सिर्फ ट्रांस फॉर्म शो कर रहा है, सिस फॉर्म शो नहीं कर रहा, सिस फॉर्म नहीं शो कर रहा, ठीक है जी। चलो देखिए,
बॉन्डिंग शुरू होगी, उससे पहले थोड़ा सा पंगा और ले ले, आइसोमेरिज्म हमारा खत्म हो जाएगा। ऑप्टिकल मैंने आपके लिए आसान बना दिया, ऑप्टिकल मैंने आपके लिए आसान बना दिया। अगला टास्क आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर आप लोग अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करवाना चाहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर अगर आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करना चाहते हैं तो बड़ा आसान सा तरीका आपके पास है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री जो भी होगी, अब जैसे प्लेटिनम प्लस 2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो बच्चे कहीं कॉपी किताब में हाईलाइटेड पोर्शन में लिखकर रख ले, प्लेटिनम जब भी कभी प्लस 2 में होएगा, प्लेटिनम जब भी कभी प्लस 2 में होएगा, प्लेटिनम जब भी कभी प्लस 2 में होएगा, तब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में ऑलवेज स्क्वायर प्लेनर शेप ही बनाएगा, स्क्वायर प्लेनर शेप ही बनाएगा। और जब भी कभी स्क्वायर प्लेनर शेप बना, जब भी कभी स्क्वायर प्लेनर शेप बना, तो साफ सी बात है उसके अंदर अगर 2 अलग अलग लीगेंड लगे हो तो इन भाई साहब ने शो करना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑलवेज शो करना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो चेक कर ले, ज्योमेट्रिकल में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी हो सकती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी हो सकती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर टेट्राहेड्रल बनेगा, स्क्वायर प्लेनर ऑलवेज प्लेनर, नो अनसिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, एक्सेस सिमेट्री आ रही है, दैट्स व्हाई ये स्क्वायर प्लेनर होने की वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। टेट्राहेड्रल में चारों लिगेंड डिफरेंट है तो इसके अंदर हमें ऑप्टिकल के चांस दिख जाएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर मैंने आपको बता ही दिया है कि जब हम जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को एक ट्रायल और लेते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर जब मैंने MA4 दे दिया तो भाई किसके पर्सपेक्टिव में सिस बोलोगे, किसके पर्सपेक्टिव में ट्रांस बोलोगे। जब आपने MA3 भी दे दिया, जब आपने MA3 भी दे दिया किसके पर्सपेक्टिव में सिस बोलोगे, किसके पर्सपेक्टिव में ट्रांस बोलोगे। जब आपने MA2B2 तो पक्का AA दोनों एक साइड है तो सिस हो गया, और BB एक साइड है तो ट्रांस हो गया, BB एक साइड है तो सिस उल्टा हो गया, जस्ट ऑपोजिट हो गया, तो ये हमारे पास यहां ट्रांस हो जाएगा, ये हमारे पास ट्रांस हो जाएगा। उसके बाद MA2BC तो AA सेम साइड और AA अपोजिट साइड से ट्रांस हो जाएगा। और सिमिलर वे में MABCD, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब चारों लिगेंड एक स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में, चारों लिगेंड स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के अंदर अलग अलग हो, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के अंदर चारों लिगेंड अगर अलग अलग हो तो आपको ए के जस्ट अपोजिट बी, ए के जस्ट अपोजिट सी, ए के जस्ट अपोजिट डी लगाना है। वहां 2 सिस फॉर्म और एक ट्रांसफॉर्म बनती है, उसको हम लोग बोलते हैं 3 आइसोमर बन गए, 3 आइसोमर बन गए। और ये बी अगर कोई एम्बिडेंटेड लिगेंड हो तो भाई साहब ये 3 तो यही बन गए, 6 बन गए, और इसमें ऑप्टिकल के चांस नहीं। इसी तरीके से कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में रहते रहते, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में रहते रहते आपको अगर MABCD से बाहर आकर बात करनी है MAB होल ट्वाइस, जैसे ग्लाइसिन है, और फिर मैं कह रहा हूं सेंट्रल के पास इतनी हैसियत होनी चाहिए, इतनी ताकत होनी चाहिए, इतना दम होना चाहिए कि उसने आपको एक स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनाकर दे रखी है। वो मैंने आपको बताया प्लेटिनम प्लस 2 के साथ इजीली पॉसिबल है, जो 28 नंबर के नीचे, 46 के नीचे 78 नंबर पे हमारा कौन आ रहा है, प्लेटिनम, हमारा कौन आ रहा है, प्लेटिनम। ठीक है जी, तो MABCD आइडेंटिट अनसिमेट्रिकल लिगेंड हुआ, ग्लाइसी नेटो लगाकर ABAB ये दोनों सिस हो गए, AB जैसी पल्टी मारा तो इमीडिएटली वो हमारे पास ट्रांस के फॉर्म में चला गया। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द MABCD मैंने आपको बताया 2 सिस एक ट्रांस बनी जाएगा। और देखो ये इंटेंशनली यहां वही उठाते हैं जहां कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला प्लेटिनम प्लस 2 के अंदर ऑलरेडी हो, प्लस 2 के अंदर प्लेटिनम हो। इनको देखे मैं चुप रहता हूं कुछ सेकंड के लिए।
स्ट्रक्चर को देखिए ना, तो जब आप स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा, ये देखो जी, ये पैलेडियम लगा हुआ है, पैलेडियम लगा हुआ है, जैसे कि पीछे मैंने आपको गाइड किया था सिमिलर पे। यहाँ ट्राइफेनाइल फॉस्फिन ये दोनों सेम साइड में, तो जिस फॉर्म में ये दोनों अपोजिट चले गए तो ये ट्रांसफॉर्म में आ गए हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि MA4B2 भी शो कर लेगा ज्योमेट्रिकल, MA3B3 भी कर लेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जो MA3B3 है ना, कुछ स्पेशल टाइप में है। स्पेशल टाइप क्या है भाई? ये फेशियल एंड मेरिडिनल आइसोमेरिज्म शो करता है। फेशियल मतलब ये जो 3A है, 3B के सामने है, 3A 3B के जस्ट ऑपोजिट है। अगर मैं सी रास्ते से चलता हुआ AB ऑपोजिट कर दूं, और यहां AB ऑपोजिट है, ये दो BB एक दूसरे के सामने है, इसको हम बोलते हैं मेरिडियनल। कुल मिलाकर MA3B3 में खास आइसोमेरिज्म हमें ऑब्जर्व हुई, वो आइसोमेरिज्म जो हमें ऑब्जर्व हुई वो है फेशियल एंड मेरिडियन आइसोमेरिज्म। फेशियल एंड मेरिडियन आइसोमेरिज्म जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आइसोमेरिज्म है, पेपर में इसके बारे में डिस्कशन किया जाता है ऑलवेज। एक बार ध्यान दे ले, MA6 ज्योमेट्रिकल शो कर पाएगा? आंसर है नो। MA5 भी नो। कैसे शो करेगा? किसके परस्पेक्टिव में सिस और किसके परस्पेक्टिव में ट्रांसफॉर्म हो? MA4BC, MA4B2 में, MA3B3 में, MA4BC में, इनमें सम आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हो। ठीक है जी, AA एक सिमेट्रिकल डाइडेंटिटी लिगेंड है, जैसे ऑक्सिलेट हुआ, इथाइलिन डाइमाइन हुआ, और MEN होल्टवाइज Cl2, जब EN इस फॉर्म में लगा हुआ है और EN इस फॉर्म में लगा हुआ है, देखिए ना, ये दोनों हमारे पास कॉन्टिन्यूटी में, तो यहाँ ये दोनों अपोजिट हो गए, तो ये परस्पेक्टिव और ये परस्पेक्टिव इसको ट्रांस बना रहा है। MABCDEF दिस फॉर्म 15 डिफरेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर, द ओनली कॉम्प्लेक्स ऑफ दिस टाइप प्रिपेयर्ड सो फार, CLBRINO2 मिथाइल पिरिडीन। तो कुल मिलाकर ऑप्टिकल का आइडिया मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। ऑप्टिकल टेट्राहेड्रल के अंदर पॉसिबल हो पाएगी, स्क्वायर प्लेन के अंदर पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ये आइडिया मैंने आपको यहाँ ऑलरेडी ट्रिक बनाकर दे दिया कि अगर आप कभी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर फोर्थ डिफरेंट लिगेंड जब तक लेकर नहीं आते, तब तक आपके पास ऑप्टिकल के चांस नहीं आएंगे एक्सेप्ट MA2B2C2। और डाइडेंटिटी लिगेंड जब आपके पास आ जाए तो इन तीन को छोड़कर बाकी सब जगह बल्ले बल्ले आपको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखेगी, एक्सेप्ट इन तीन के अलावा। इसके अलावा इनके भी सिस फॉर्म में होगी, ट्रांसफॉर्म में नहीं होगी। और टेट्राहेड्रल जैसे निकल GLY होल्टवाइस है, बिसग्लाइसिनेटो और निकलेट आपके पास, निकल आपके पास कंपाउंड है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि इसके अंदर हमें क्या दिखती है जी, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। बस जैसे ही खत्म होएगा इमीडिएटली हमारे पास बॉन्डिंग इन द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी, तो एक पार्ट आपके पास इंट्रोडक्शन नोमेनक्लेचर सारी टर्म्स का हो गया है। तो इसको 2x पे भी देखते हैं तो आप बहुत बढ़िया तरीके से आधे घंटे में यहां तक का रिवाइज कर सकते हैं। देन आफ्टर हम बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में बात करने वाले हैं। बॉन्डिंग इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो सबसे पहले हम बात कर लें, जो फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जाने जाते हैं वर्नर, इन्होंने कहा कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर एक तो प्राइमरी वैलेंसी होगी, एक सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक जी, तो प्राइमरी वैलेंसी है वो ऑक्सीडेशन नंबर, तो आप डॉटेड लाइन से इंडिकेट करोगे, और सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसको आप बोल्ड लाइन से। ये बात ओरिजिनली वर्नर को नहीं पता थी। तो जैसे कि आपके पास CO वाटर होल 3 Cl3 है, तो कोई मेरे से बोलेगा प्राइमरी वैलेंसी बताओ, तो मैं बोल दूंगा इसकी +3 है, और 3 इसकी प्राइमरी वैलेंसी हुई, तो 3 अंदर वाले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले क्लोरीन यहां +3 को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसके अलावा जो अंदर के वोटर है
वो सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और प्राइमरी वैलेंसी को भी, सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं ओनली एंड ओनली, लेकिन जो सीएल है वो दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, प्राइमरी को भी सेकेंडरी को। तो नटशेल क्या हुआ, एक बड़ी सिंपल सी कहानी जो निकल के हमारे सामने आई, बड़ी सिंपल सी कहानी जो हमारे सामने निकल कर आई, वो सिर्फ इतनी इतनी आई है, वो सिर्फ इतनी इतनी आई है कि कहीं ना कहीं अगर कहीं ना कहीं मैं बात करता हूं किसके बारे में, प्राइमरी वैलेंसी के बारे में, तो ऑक्सीडेशन नंबर है, तो क्लोराइड प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल ठीक होगी बात। और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है जी। स्पीसीज विच सेटिस्फाई प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी साइमल्टेनियसली इन अ कॉम्प्लेक्स विल बी नॉन आयोनाइजेबल। तो यहाँ का सीएल नॉन आयोनाइजेबल रहा, नॉन आयोनाइजेबल रहा। और ये क्वेश्चन आपको पहले भी मैं कई बार करवा चुका हूँ, क्लियर ना। तो यहाँ क्वेश्चन की वैरायटी क्या है, जिसे इसने COCl3 6 अमोनिया बना के दे दिया, COCl3 6 अमोनिया बनाकर दे दिया, COCl3 6 अमोनिया बनाकर दे दिया। तो यहाँ मेरे से पहला क्वेश्चन पूछेगा कि वेंटो फैक्टर बताए सॉल्यूशन चैप्टर के अकॉर्डिंगली, तो 4321 वेंटो फैक्टर हो जाएगा इसका नंबर ऑफ आयंस के हिसाब से। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या सबकी सेम है, तो मेरा आंसर होएगा बिल्कुल नहीं है जी, क्योंकि सबके आई वैल्यू अलग अलग है, 4321 4321 4321। फिर मेरे से अगला क्वेश्चन पूछेगा प्रेसिपिटेशन, तो भाई पहला ज्यादा मोल प्रेसिपिटेशन देगा, दूसरा कम मोल देगा, तीसरा उससे कम, और चौथा वाला बिल्कुल भी नहीं देगा। अगला क्वेश्चन क्लियर, वो जो सेकंड एंड थर्ड मैच कर गए, थर्ड एंड फोर्थ मैच कर गए, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी किस अकॉर्डिंगली यहाँ सेटिस्फाई हो रही है। तो पहले में अमोनिया सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, सीएल प्राइमरी कर रहा है, और अंदर तो क्लोराइड दोनों वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, सेकेंडरी भी और प्राइमरी भी, उसके अगले वाले में भी, उसके अगले वाले में भी जी। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब पूछे जाए थोड़ा अलर्ट पे रहिएगा, तो उससे आपका आंसर परफेक्टली मैच कर जाएगा। तो जी आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन भी आप ऑलरेडी कर चुके हो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको आप समझ लेना और कर लेना, डाउट आए तो डिस्कशन के लिए अवेलेबल है हम हर वक्त आपके लिए। लिमिटेशन क्या है? ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है कि हमारे पास किसी भी कंपाउंड के अंदर रीजन फॉर सर्टेन एलिमेंट टू पोजेस द रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, रीजन फॉर कैरेक्टरिस्टिक मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोई एक बढ़िया इसके पास फंडामेंटल नहीं है ये एक्सप्लेन कर पाए, नो एक्सप्लेनेशन अबाउट डायरेक्शनल नेचर ऑफ बॉन्डिंग, क्योंकि आपको पता ही है कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है और कोऑर्डिनेट बनने के बाद तो कोवेलेंट ही है। कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं, कोई शेप नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं, तो वर्नर थ्योरी एक यूं मान के चलो कि अंधेरे में तीर मारा हुआ है, जब इनको कुछ खुद समझ में नहीं आ रहा तो इन्होंने सीधे सीधे इस वर्ड्स में आपसे बात कर ली है कि प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, तभी तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस वर्ड उन्होंने बोला था, क्योंकि उनको इनकी थीम ही समझ में नहीं आ रही थी कि ये हैं क्या, ये बने कैसे। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये बीच में एक तरीका बताया गया किसी भी कंपाउंड को स्टेबल करने का, EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो समझे बात को, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में करना क्या है जी, जो CMI है, सेंट्रल मेटल एटम और आयन है, उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं, फिर उसमें जो उसका चार्ज है, मान लो चार्ज प्लस टू है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और वैसे भी प्लस का मतलब सब्ट्रैक्ट करना ही होता है, माइनस है तो आप उसको ऐड करते, माइनस है तो उसको ऐड करते, तो उसके पास जेड बन जाएगा इफेक्टिव। अब उसमें जो ऐड करेंगे आप वो कोऑर्डिनेशन नंबर इंटू टू, मान लीजिए ऑक्सलेट है तो उसने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिया तो इंटू टू कर दें, साइनाइड है 6 दिया तो इंटू टू कर दें, और अगर एक ही इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटेट है तो उसने अकेले ने सारी की सारी कमी पूरी कर दी, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है इंटू टू कर दें, तो उससे आपके पास जो EN है वो मिल जाएगा। और अगर कहीं भी कंपाउंड EN ओबे कर जाए तो उसको इस रूल के अकॉर्डिंगली हम स्टेबल बोलते हैं, इस रूल के अकॉर्डिंगली हम उसको स्टेबल बोलते हैं, अगर ना कहे तो उसको अनस्टेबल। और कैसे ओबे करना होता है, जैसे मान लो आप 3D सीरीज की बात कर रहे हैं, उसका कोई स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक है,
उसका EN 36 के बराबर आना चाहिए, उसका EAN 36 के बराबर आना चाहिए, और अगली सीरीज है तो उसका 54 के बराबर आना चाहिए, उससे अगली सीरीज है जैसे प्लेटिनम टाइप की उसका 86, अगर उसके बराबर आ गया तो आप कहेंगे ये EAN ओबे कर रहे हैं, ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ओबे कर रहे हैं। K3FeCN6 का निकाल कर देखें 35 आता है, डजंट ओबे। और एक लाइन मैंने लिखी है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, दुनिया के जितने भी कार्बोनिल नाइट्रोसिल है, दुनिया के जितने भी कार्बोनिल नाइट्रोसिल है वो 100% EAN रूल ओबे कर रहे हैं, वो 100% EAN रूल ओबे कर रहे हैं, वो 100% EAN रूल ओबे कर रहे हैं, चाहे वो टेट्रा कार्बोनिल निकल हो, चाहे वो पेंटा कार्बोनिल आयरन हो, क्लियर है। और जो ओबे नहीं कर रहा वो इस रूल के अकॉर्डिंगली उसको हम अनस्टेबल मानते हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस इस रूल के अकॉर्डिंगली हम उसको अनस्टेबल मानते हैं। लेकिन आज के बाद ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कौन ओबे कर रहा है और कौन ओबे नहीं कर रहा, बस इतनी बात ध्यान रखें। द फॉलोइंग पॉइंट्स नीड टू बी नोटेड विद रिगार्डिंग टू EN, ऑल डोनेशन कंट्रीब्यूट 2 इलेक्ट्रॉन व्हाइल NO इज कंसीडर्ड एज 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। 3 इलेक्ट्रॉन डोनर का मतलब समझ गए हो कि NO ने अपना लोन पर तो डोनेट किया ही किया है, लेकिन साथ साथ में इन भाई साहब ने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, क्यों? क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से इनका बॉन्ड ऑर्डर बढ़कर 2.5 से 3 हो जाता है, जो इसको स्टेबिलिटी देता है, जो इसको स्टेबिलिटी देता है। ओके जी, हम देखें फॉर पाई डोनर्स द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड इन डोनेशन फ्रॉम अ पर्टिकुलर लिगेंड आर टू बी कंसिडर। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये बेंजीन है, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर है, इसके नीचे हमारे पास ये प्रोपीन अलाइल का कार्बेनाइन है, इसके नीचे साइक्लोपेंटाडाइनाइल है, तो हमें देखना ये है कि साइक्लोपेंटाडाइनाइल अगर हम एरोमेटिक है, उसके डोनेशन की टेक्निक हमारे पास क्या है, उसके डोनेशन की टेक्निक हमारे पास क्या है। अगर हमने बेंजीन साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग बनाकर उसके क्लाउड को हमने Fe+2 को डोनेट कर दिया, तो आयरन पे चार्ज +2 है, 26-2 24 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इस पर, और दो साइक्लोपेंटाडाइनाइल ने मिलकर 6-6 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन दिया, तो ये आपके पास हो गया 12। 36 इसका EN हो गया, 36 इसका EN हो गया, तो कुल मिलाकर ये EN रूल को ओबे कर रहा है। और वैसे हेप्टोसिटी करके भी कॉन्सेप्ट आता है, ऑर्गेनिक लीगेंड जब अपना क्लाउड डोनेट करते हैं तो जितने क्लाउड के इलेक्ट्रॉन्स एटम्स मिलकर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं उनको लिखना ईटा से रिप्रेजेंट होता है, वो ईटा से इससे रिप्रेजेंट होता है ईटा से। मान लीजिए इथीन अगर इस पूरे डोनेशन में आ गया तो ईटा 2 लिखेंगे, अगर बेंजीन इस डोनेशन में ईटा 6 लिखेंगे, अगर साइक्लोपेंटाडाइनाइल आ गया तो आप उसको ईटा 5 लिखेंगे, ईटा 5 ईटा 5, इसको बोलते हैं हेप्टोसिटी, इसको बोलते हैं हेप्टोसिटी। ठीक जी, इसको बोलते हैं हेप्टोसिटी। ये कुछ कंपाउंड्स के EAN दिए हुए, तो मैं चाहता हूं इसका स्क्रीनशॉट लें और सारे के सारे EAN आप चेक कर लें, कंफ्यूजन हो तो डिस्कशन मैंने आपसे कहा ही था हम तैयार। इसको देखो, ये टाइटेनियम, एंडियम टाइटेनियम, ये माइनस माइनस वाला, ये भी माइनस माइनस वाला, ये सिग्मा डोनेशन दे रहा है, पाई डोनेशन दे रहा है, की तरफ से हम 6-6 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाएंगे, इसके तरफ से 2-2 डोनेट करवाएंगे। जुड़ने का तरीका क्या है उसे डिपेंड करता है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट करेगा तो 6-6 करेगा, और सिग्मा डोनेट करेगा माइनस की वजह से तो 2-2 करेगा। कुल मिलाकर हमारे पास यहाँ जो टाइटेनियम के पास टाइटेनियम माइनस +4 होने से स्कैंडियम टाइटेनियम, इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 में जब मैंने 6-6-2-2 डोनेट करवाए है ना जी, तो 18 और 2 20 और 2 22 और ये 12 34 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लॉस्ट है, इलेक्ट्रॉन गेन है, ये 12 और 4 16 गेन है।
बार आपसे वो डिस्कस कर लेता है FeCOX 36 लिखा है, ठीक है। तो होता क्या है, आपसे वो पूछेगा कि एक्स की वैल्यू क्या है। तो एक चीज पे तो आप रिजिड हो ही रखे हो, क्या कि जो आपके पास कार्बोनिल और नाइट्रोसिल है वो ऑलवेज EAN ओबे करते हैं, ये भी करेगा। तो ओबे करने की वजह से यहाँ 26 इसका जेड एक्स इंटू टू लिख दिया, क्योंकि सीओ कॉन्ट्रीब्यूट दो इलेक्ट्रॉन का करता है, एक्स हमें पता नहीं है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ 5 कैलकुलेट हो जाएगी। मान लो कभी भी EAN इनके अंदर अगर किसी कंपाउंड में 36 ना होकर ज्यादा हो जाए तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से इसका बिहेवियर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ है तो इसका इट सेल्फ ऑक्सीडेशन हो गया, तो रिड्यूसिंग एजेंट का रोल कर रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे डिस्कस किए जा सकते हैं। और VCO होल 6 है, इसका 35 है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, इसको एक्सेप्ट करने है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने हैं। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इट सेल्फ ऑक्सीडाइजेस, रिड्यूसिंग एजेंट। अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इट सेल्फ रिड्यूसेस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। अब आपके पास VBT, देन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, और उसके बाद आपका डिस्कशन जो कंटिन्यू होएगा यूजेस और एप्लीकेशंस ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं आगे हम लोग।